हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं ये मसूर की सब्ज़ी। इस लॉकडाउन में घर में अगर सब्ज़ियाँ ना हो तो आप चना, मूंग, मटर, मसूर ये सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं और इसे इजीली कभी भी बना सकते हैं। चलिए मसूर की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मसूर को मैंने रात भर भिगो लिया था। आप चाहें तो गर्म पानी में सिर्फ एक घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। तो ये अच्छी तरीके से फूल गया है। एक कप मसूर मैंने भिगोया था, तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। मसूर बनाने के लिए यहाँ पे कुकर में हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही हम इसमें डालेंगे जीरा राई। जीरा राई के चटकते ही हम यहाँ पे डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और इसे हम एक मिनट के लिए भूनेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज जैसे ही एक मिनट के लिए भून जाए हम यहाँ पे डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, और इस प्याज को हम एक से दो मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। यहाँ पे हमारा प्याज जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन कलर में आ जाए हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर। तो मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर को काट लिया है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने से ये जो टमाटर है जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे, और अब इसे हम दो से तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक से डेढ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इन मसालों को भी हम लो फ्लेम पर एक मिनट के लिए भूनेंगे। तो आपके पास अगर कोई मसाला ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मसाला भी थोड़ी देर के लिए भून गया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे ये भिगाया हुआ मसूर। इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने एक कप मसूर लिया था और ये फूलने के बाद, भिगोने के बाद लगभग डेढ़ कप हो गया है। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था इसलिए नमक डालने की जरूरत अब नहीं है। तो हमने जितना मसूर डाला है उसका दुगना पानी डालेंगे यहाँ पर। वैसे तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लिक्विडी पतला ग्रेवी पसंद हो तो आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद हो तो आप पानी थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम कंसिस्टेंसी की ग्रेवी बना रही हूँ। ये फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ऐसे लिक्विडी लग रहा है, लेकिन सीटी आने के बाद और मसूर पकने के बाद ये एकदम थिक हो जाएगा। कुकर का ढक्कन लगाते हैं और मीडियम फ्लेम पर हम इसे तीन सीटी आने देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुकर में तीन से चार सीटी आ गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और कुकर को खुद से ठंडा होने देते हैं। क्योंकि आप बिगनर्स हैं, आपने कभी कुकिंग नहीं की है, इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर कुकर में सीटी लगातार आ जाए, मतलब एक ही मिनट में आप मान लीजिए दो तीन सीटी आ जा रही है, तो आप तीन से चार सीटी और लगा दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी किसी किसी कुकर में ऐसा होता है कि एक मिनट के अंदर ही अंदर दो दो सीटी आ जाती है। उस टाइम पे या तो आपको गैस की फ्लेम को लो कर देना है या तो आप दो से तीन सीटी और आने दीजिए, उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करिएगा। यहाँ पे हमारा कुकर ठंडा हो गया है तो इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मसूर अच्छे से पक गया है, और इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से मैश कर देते हैं ताकि ये जो थोड़ा अलग अलग दिख रहा है वो एक दूसरे में मिक्सअप हो जाए। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब आखिरी में मैं यहाँ पे डाल दी हूँ धनिया की पत्ती और एक बार फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारी मसूर बन करके तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। आप इसे रोटी, चावल, चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।